गुड आफ्टरनून। आपको जैसे पता होगा कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो रीमल है वो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है और उसकी आज रात तक आने की संभावना है। तो इस संदर्भ में हम लोग एक प्रेस ब्रीफ करना चाहते हैं, आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया और क्या क्या हम स्टेप लेने वाले हैं। इसके लिए आज मेरे साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर मौजूद है, साथ में जो हमारा IMD स्टेशन के डायरेक्टर डॉक्टर पार्थो मौजूद हैं और मेरे एडिशनल सेक्रेटरी प्रदीप आचार्य जी एंड शरद को तो आप जानते ही हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा IMD की तरफ से, तो वो आपको थोड़ा जो अभी इस समय साइक्लोन की जो स्थिति है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि पब्लिक को हम एडवाइस करेंगे कि क्योंकि ये डायनेमिक सिचुएशन है, समय के साथ बदलता रहेगा, तो जरूर एयरलाइन से टाइम पे चेक करें क्योंकि हो सकता है कल अगर स्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कल कुछ फ्लाइट्स ना चलें। तो इसलिए बेटर ये होगा कि वो कंटिन्यूसली या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से या अपनी कंसर्न एयरलाइन से चेक कर लें, वो लोग अपडेट करते रहेंगे, तो अपना उसके हिसाब से अपना ऑल्टरनेट प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए इसमें डरने की कोई वो नहीं है, पहले भी ऐसे 2-3 बार मतलब स्टॉर्म आया है तो हम लोगों ने अच्छी तरह सक्सेसफुली हैंडल किया है, इस बार भी करेंगे, इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है होने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी एकदम तैयार है, हम लोग तैयार हैं, फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फिनेंस जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है, लेकिन आप लोगों का भी हमें सहयोग होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, नेचुरली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हमें टाइम लग सकता है उस चीज़ को एड्रेस करने में, तो आप लोगों से हम बस पेशेंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे और जो प्रिकॉशंस है वो जरूर लें क्योंकि वो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ही बोलूँगा कि पब्लिक तक जरूर बताएं कि जो भी प्रिकॉशनरी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बोल रही हैं, स्पेशली फिशिंग वगैरह में ज़रूर प्रिकॉशन लिया जाए और उस पर मतलब ये ना सोचे कि बस 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों का बहुत सहयोग करने मतलब कि हमें अपेक्षा है और साथ में जो स्पेसिफिक है डे वाइज है वो मैंने प्रेस रिलीज के सेकेंड पेज में जो हमारे IMD ने ब्रीफ किया है वो भी मैंने दे रखा है कि कहाँ ऑरेंज अलर्ट है, कहाँ रेड अलर्ट है और किस डेट में क्या प्रेडिक्शंस है, वो भी हमने अलग से दे दिया है, तो सेकेंड पेज में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था ना मैं अलर्ट में बता देता हूँ, ये कन्फर्म्ड है, हमने चेक कर लिया क्योंकि वो अलग अलग डेट की बहुत रहती है, इसलिए कन्फ्यूज मैं कन्फर्म कर देता हूँ। आज 26 मई को है, इसमें से साउथ गोमती धलाई सिपाही जिला खोई एंड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि एक लेवल का नीचे है, येलो के ऊपर ऑरेंज होता है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड 2 डिस्ट्रिक्ट पे नॉर्थ एंड नाकोटी पे ऑरेंज है अलर्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा फिर 28 को सारे डिस्ट्रिक्ट पे ऑरेंज अलर्ट ही है एंड 29 को ऑरेंज एंड येलो अलर्ट आ जाएगा, वो हम और आपको अपडेट करेंगे। ये एज पर द मॉर्निंग ब्रीफ में जो हमें मिला है मॉर्निंग का है, शाम तक 4:30 और 5:05 तक फिर एक हमारे पास आएगा, उसके बाद हम शाम को दोबारा एक ब्रीफ देंगे। हाँ एज ऑफ नाउ, हाँ एज ऑफ नाउ वो हो सकता है शाम तक चेंज हो जाए, वो अलग क्योंकि ये तो कई दिन से चेंज हो रहा है, वो तो उसके मूवमेंट के हिसाब से होगा, बट कल के लिए अभी हमारा साउथ धलाई खोई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे आज अभी जो मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट आई है जिसके बेसिस में आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये रेड अलर्ट, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन है, एक थोड़ा में 2 बार रिलीज कर रहे हैं और क्योंकि ये चेंज होता रहता है डायरेक्शन उसका, साइक्लोन का चेंज हो सकता है, तो इसके हिसाब से जो भी लेटेस्ट होती है वो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। उन्होंने बता दिया है कि स्पेशली आज रात से और कल और परसों 2 दिन यानी कि 26, 27, 28 हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड साथ में बहुत विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, तो ये स्टॉर्म में जो त्रिपुरा में आएगा, बाहर दूसरा रहेगा बट त्रिपुरा में जो होगा वो इतना अफेक्ट होगा। इसको जैसे ही हम लोगों को पहली बार ये बुलेटिन IMD से आया तो इमिडिएटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको हमने इमिडिएटली 24 मई को एडवाइजरी इशू कर दिया है कि क्या क्या प्रिपरेटरी स्टेप्स लिए हैं। उसके ऑर्डर में आपने देखा होगा पत्रिका में भी वो आया था कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, साथ में मैं सारे DMs के साथ कॉन्स्टेंटली टच में हूँ, आज भी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम एक मीटिंग करेंगे टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, ठीक है।
साथ में इसके साथ साथ हमारा जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है और जो डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो 24/7 फंक्शनल हैं और फंक्शनल रहेंगे। इस चीज़ को कि चूँकि साइक्लोन सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में बदल रहा है तो इसको ध्यान में रखते हुए अर्जेंट मीटिंग आज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई। द मीटिंग इज जो चेयर होती है वो चीफ सेक्रेटरी सर ने चेयर किया है, साथ में वहाँ पर रिस्पेक्टेड DGP सर थे और बहुत सारे सेक्रेटरीज एंड IMD के ऑफिशियल्स एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑफिसर्स मौजूद थे। तो इस सिचुएशन को हमने रिव्यू किया है, रिव्यू करने के बाद कुछ निर्णय लिए हुए हैं वो मैं निर्णय आपको बता देता हूँ। पहला निर्णय ये था कि स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जनरली स्कूल ऑलरेडी बंद है बट जो नहीं भी अगर बंद है तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, खासकर आंगनवाड़ी सेंटर को कि कल यानी 27 और 28 को बंद रहेंगे और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये इंस्ट्रक्शन करेगा कि टेक होम राशन रहेगा आंगनवाड़ी सेंटर में और स्कूल्स बंद रहेंगे आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी दिया गया कि वो अपना तैयारी कर लेंगे, कहीं मान लीजिए रास्ता रुके कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो रेलवे से कैसे व्यवस्था करना है ये करेंगे। फूड स्टॉक्स DMs को इंस्ट्रक्शन दिया गया फूड डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फूड स्टॉक रहें कि अगर कुछ क्राइसिस कुछ भी हो तो फूड स्टॉक अवेलेबल रहेगा। हमने इसके साथ साथ NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसकी जो यहाँ पर टीम है उसको हमने उसके साथ भी मीटिंग किया, उनको भी अलर्ट किया है तो वो भी एक अलग से एक टीम जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट या गोमती में अभी वो डिसाइड करके एक डिप्लॉय कर देंगे जिससे कि उस एरिया में जहां पर ये साइक्लोन का प्रभाव ज़्यादा होने की संभावना है वहां वो एक अलग डिप्लॉयमेंट करेंगे। एक ऑलरेडी नॉर्थ में कुमारघाट में डिप्लॉयड होती है और साथ में एक और टीम, तो टोटल 3 NDRF की टीम डिप्लॉयड रहेंगी। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसके भी जो भी टीम्स है वो हम लोगों ने तैयारी कर लिया है तो जरूरत पड़े में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ या सब डिविजनल अथॉरिटीज़ उनको कॉल करके उनको डिप्लॉय कर सकती हैं। इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है तो उन्होंने अपनी क्विक रिस्पांस टीम को तैयार कर रखा है कि कहीं पर भी पावर का अगर लाइन टूटे या कुछ भी हो तो इमीडिएटली उसको रिस्टोर करने की व्यवस्था की जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में और जो PWD है वो अगर कहीं पेड़ कटता है या और इवन फायर सर्विस है ये सब कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करेंगे जिससे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जैसे कि रास्ता रुक जाए पेड़ टूटने की वजह से किसी से तो जितनी जल्दी हो सके हम उसको मिटिगेट करें और जो नॉर्मल रोड है या पावर लाइन है या वाटर सप्लाई है उसको रिस्टोर किया जाए तो इसकी हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। साथ में एक हम मैं और बोलना चाहूँगा कि देखिए कोई भी डिजास्टर को हैंडल करने के लिए इसी गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन और पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है तो ये चूँकि जो ये साइक्लोन आ रहा है तो इसमें मेरा एडवाइस होगा कि स्पेशली 26 और 27 को अवॉइड किया जाए बहुत बाहर जाना। स्पेशली मैं फिशरमैन को बोलूँगा कि फिशिंग के लिए ना जाएं क्योंकि इसमें बड़ा होता है विंड स्पीड होती है रेन्स हो रहा है तो बड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और लास्ट टाइम आपने देखा था डुम्बूर में एक अनफॉर्चुनेट घटना भी घटित हुई थी तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस पीरियड में अवॉइड करें और लोगों को भी बोलूँगा ना ज़्यादा बाहर जाए बट अगर ज़रूरत है तो जाएंगे बट अवॉइड करना अगर जितना अवॉइड हो सके आप करिए क्योंकि थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग होती तो लाइटनिंग तो बिना बताए आती बताकर तो आती नहीं है इसलिए जितना बाहर मतलब अवॉइड कर सके उतना किया जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी चूंकि कुछ फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसके बारे में वो भी एक दो लाइन